हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल एजुकेशन चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 8 में सोशल साइंस सब्जेक्ट में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है सोशो रिलीजियस अवेकिंग, तो उसके बारे में देखेंगे। आज का हमारा पॉइंट है, हम जानेंगे ज्योतिबा फुले के बारे में। तो ज्योतिबा फुले वॉज वेल नोन सोशल रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट के वेल नोन रिफॉर्मर के तौर पर हम बात करें तो कौन, तो के ज्योतिबा फुले। ही स्टार्टेड गर्ल्स एजुकेशन इन पुणे इन 1857 के अंदर ज्योतिबा फुले ने एक गर्ल्स स्कूल है वो स्टार्ट की। ही हेल्प द विडो टू रीमैरी, अभी विधवा को रीमैरी करने में, पुनर्विवाह करने में मदद की। ही चैलेंज द ऑथोरिटिवनेस ऑफ ब्राह्मण्स इन द सोसाइटी, जो सोसाइटी के अंदर ब्राह्मण्स का जो ऑथोरिटीनेस थी उसको चैलेंज किया। ही एस्टैब्लिश्ड सत्य शोधक समाज इन ऑर्डर टू इंक्लूड कॉन्फिडेंस करेज एंड एंथम इन पीपल। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की कि लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है, करेज है एंड एंथम है वो डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट ठक्कर बापा के वो वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द अनटचेबल्स हरिजन्स बाय प्रोवाइडिंग द सर्विस फॉर मैनी ईयर्स एज अ मिनिस्टर ऑफ अखिल हिंद हरिजन संघ विच वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय गांधी जी। अभी ठक्कर बापा है वो उसने अपना जो वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है वो वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया किसके लिए, तो के अनटचेबल्स थे उसके अपलिफ्टमेंट के लिए बाय प्रोवाइडिंग ए सर्विस। तो उसके लिए उसने क्या किया, तो के कई वर्षों तक एज अ मिनिस्टर के तौर पर रहे। किसके मिनिस्टर के तौर पर रहे, अखिल हिंद हरिजन संघ के मिनिस्टर के तौर पर रहे। ये अखिल हिंद हरिजन संघ है वो किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, तो के गांधी जी द्वारा एस्टैब्लिश्ड किया गया था। इस कंट्रीब्यूशन टू प्रोवाइड रिलीफ टू अ पीपल अफेक्टेड बाय द नेचुरल क्लाइमिटीज इज नॉट वर्थी। अभी जो नेचुरल क्लाइमिटीज के अंदर जो कुदरती आपदा आई है उसके अंदर मदद करने में ठक्कर बापा का योगदान विशेष रहा था। अमृतलाल ठक्कर नेमली द ठक्कर बापा वॉज बॉर्न इन 1869। जो अमृतलाल ठक्कर, जो ठक्कर बापा के तौर पर जाने जाते थे, वो उसका जन्म 1869 में हुआ इन द सिटी ऑफ भावनगर। कहाँ पर, तो के भावनगर में हुआ, गुजरात में। ही वॉज अ डेटफुल सर्वेंट थ्रू आउट हिस लाइफ, उसने पूरी जिंदगी सेवा ही, लोगों की सेवा की। ही हैड एक्वायर्ड द डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग, ठक्कर बापा ने इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल की थी। ही लेफ्ट हिज जॉब फॉर विच ही वॉज रियली पेड गुड सैलरी एज ही स्टार्टेड सर्विंग द पीपल ऑफ छेवाड़ा आफ्टर बींग इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी। अभी इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की, उसको अच्छी सैलरी भी मिल रही थी, वो जॉब स्टार्ट की, जॉब स्टार्ट करने के बाद उसको अच्छी सैलरी मिल रही थी, बट जो पिछड़े हुए लोग हैं उन लोगों की सेवा करने के लिए उसने अपनी जॉब है उसको छोड़ दी। और लोगों की सेवा करने की प्रेरणा ठक्कर बापा को गांधी जी से मिली। ठक्कर बापा एस्टैब्लिश्ड पंचमहाल भील सेवा मंडल। ठक्कर बापा ने क्या एस्टैब्लिश किया, तो के पंचमहाल भील सेवा मंडल विथ इट्स हैंड ही ब्रॉट हेल्प अबाउट द ड्रास्टिक चेंज इन द लाइफ ऑफ द व्हील्स हु इनहैबिटेड द डीप जंगल्स एंड हिली एरिया ऑफ द पंचमहाल।
अभी पंचमहाल भील सेवा मंडल की हेल्प से जो भील्स की लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा है वो चेंजेस आया कि जो लोग हैं वो घने जंगल के अंदर रहते थे, हिली एरियाज के अंदर है वो रहा करते थे। ठकर बाबा एंड इज कंपेनियन फ्रीड द व्हील्स फ्रॉम द हैबिट ऑफ द अल्कोहल एंड द अदर इविल कस्टम्स एंड डाउट्स। ठक्कर बाबा और उसके साथियों ने मिलकर जो व्हील्स थे वो अल्कोहल की हैबिट में जो लत थे या दूसरे किसी कस्टम से वो इविल कस्टम्स थे वो इविल कस्टम्स को दूर किया। ही ओपन स्कूल्स फॉर द चिल्ड्रन व्हील फॉर द चिल्ड्रन व्हील्स। ठक्कर बापा ने जो व्हील्स के जो बच्चे थे तो उसके लिए भी स्कूल स्टार्ट की। ही मेड देन स्पेंड व्हील्स एंड इन्वॉल्व देन इन स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री और छोटे छोटे गृह उद्योग के लिए भी व्हील्स को तैयार किया। एज टाइम पास नेशनल अवेयरनेस एंड अवेकिंग डेवलपिंग द पीपल। जैसे जैसे टाइम गया वैसे वैसे नेशनल अवेयरनेस एंड अवेकिंग है वो लोगों में बढ़ता गया एंड दे मूव्ड फॉरवर्ड टुवर्ड्स द फ्रीडम मूवमेंट और धीरे धीरे लोग है वो फ्रीडम मूवमेंट के अंदर जुड़ते गए। नोटेबल प्रोग्रेस वॉज सीन इन द कंडीशन ऑफ द पीपल। कई सारी अच्छी प्रोग्रेस है वो लोगों के अंदर इस रिफॉर्मर्स के थ्रू है वो जानी गए। फ्रॉम द बैकवर्ड क्लास एज गांधी जी गेव्स द इम्पोर्टेंट टू द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। गांधी जी ने अनटचेबिलिटी के रिमूवल पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया। तो इस चैप्टर के अंदर हमने जो कई सारे रिफॉर्मर्स थे उस रिफॉर्मर्स के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।